Assalamualaikum everyone, welcome back to my new vlog. तो भाई फाइनली एक बार से मौजूद हैं पासपोर्ट ऑफिस में। अरे यार एक तो जिंदगी ठंड चल रही है कसम खुदा की यार, जेठा लाल भी पड़ी है जिंदगी यार। चीज बन गई हमारी भाई यहाँ पर। ये देखो यार ये नादरा ऑफिस की तरफ जाते हुए कभी हशर भी। Assalamualaikum everyone, welcome back to my new vlog. आ गया तू जवान हो। और आज हम फिर से हाजिर हैं नादरा ऑफिस पे। आप बैक साइड पे देख सकते हो मेरे नादरा ऑफिस। आज हम फिर से पासपोर्ट के लिए हाजिर हैं यहाँ पे और अब देखते हैं क्या सीन बनता है। आज का तो कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स के साथ आए हैं, बाकी अब देखते हैं क्या सीन बनता है। तो चलिए अपडेट देते हैं आपको, साथ रहिएगा। जी तो भाई फाइनली एक बार फिर मौजूद हैं पासपोर्ट ऑफिस में और रश था काफ़ी। आज भी जुम्मे का दिन है, आज जुम्मे की नमाज की भी टेंशन है फिलहाल, और ये कि रश भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन काम अब करीब ख़त्म होने की तरफ है। बाकी अल्लाह का शुक्र है प्रोसेस में जा रहा है पासपोर्ट आज हमारा, और इंशाल्लाह फिर बन के आ जाएगा 10 से 15 दिनों में। तो बाकी बस यही कुछ अपडेट है और अब देखते हैं यहाँ से फारिग होते हैं फिर इंशाल्लाह घर चल के नमाज की तैयारी करते हैं। A few moments later. अरे यार एक तो जिंदगी ठंड चल रही है कसम खुदा की यार, जेठा लाल हुई पड़ी है जिंदगी यार। अच्छा खासा काम होते होते रह गया भाई, आईडी कार्ड का वो आ गया कि सबमिशन तो मैंने करवा दी थी, टोकन ले लिया था आईडी कार्ड का, न्यू आईडी कार्ड का, लेकिन वहाँ पे जो है नादरा की तरफ से अभी तक अपडेट हुआ नहीं है और इस चक्कर में आज फिर से जलालत हो चुकी है, फारी हो चुकी है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और बीच में अब 4 दिन की छुट्टी भी आ रही है, आज फ्राइडे है तो इनकी टाइमिंग 1 बजे तक की है, ये लोग बंद करने वाले हैं अब यहाँ पे। तो अब वही सीन है कि जितना जल्दी की कोशिश की लेकिन फिर भी वेनसडे को ही आना पड़ेगा। अब चलते हैं नादरा ऑफिस यार, वहाँ जाके फिर उनको अपडेशन का बोल के आते हैं, देखते हैं क्या सीन बनता है। जी तो भाई पहुंच चुके हम खजूर मार्केट में और अब लेते हैं यहाँ से कुछ खजूरें। अस्सलाम वालेकुम यार, दूसरा भाई नहीं है नमाज पढ़ने गया हुआ है। तो यार ये हम मौजूद हैं इस वक्त सदर में ही कच्ची गली के बैक साइड पे जो पड़ती है खजूर मार्केट, यहीं पे। इसका क्या रेट चल रहा है? मैं बोला था भाई है वो सही रेट लगा था, तुम फाड़ दोगे। 280-250 वाले नहीं ना यार, यहाँ से लेके जाते रहते ना वो भाई, तो शक्ल पहचानता। अब तुम वो तुमसे बड़ा ही है मेरे ख्याल से वो, हाँ मुंबई वाला है, नाम अगर उसका भूल जाते हैं सब हर बार यार। लेकिन ये कि चलो इन भाई से ही अभी बात करते हैं फिर देखते हैं। तो भाई इनके पास और वेराइटीज़ देखते हैं। ये जो है ये ईरानी खजूर है, अब इसके अलावा बाकी ये वैरायटी दिखा रहे हैं अपने पास। माशाल्लाह काफ़ी वैरायटी होती है। अजवा खजूर भी मिल जाती है ना तुम्हारे पास? अजवा खजूर भी मिल जाती है और बाकी ये नर छुआरा वगैरह, ये काफ़ी खजूरें वगैरह सब कुछ है। अच्छा बाकी ये जो है ना ये दे रहे हैं भाई को, ये हमें खजूरें, ये खा के देखते हैं क्या जायका है इसका। जी तो भाई हमारी खजूरें पैक हो रही हैं और बस अब ये खजूरें लेके चलते हैं घर की तरफ यार, फिर जल्दी से नमाज की भी तैयारी करनी है और फिर इसके बाद देखते हैं आज के दिन में और क्या क्या काम है। ज़िंदगी तो खैर जेठा लाल चल रही है, बाकी ये कि देखते हैं अब क्या क्या काम बचे हैं ज़िंदगी में, तो वो भी करते हैं, लेकिन पहले नमाज़ पढ़ते हैं घर जाके, उसके बाद की अपडेट इंशाल्लाह आपको देते रहेंगे। ठीक है, साथ रहिएगा। घर भी पहुंच चुके और थोड़ा आराम भी हो चुका है यार, आज हब्स बहुत ज़्यादा थी मौसम में तो इस वजह से थकन हो गई थी काफ़ी, आराम भी कर लिया हमने। अब हमारा टाइम हुआ है 4:10 का और हमने अब खाना खाना है, नाश्ता भी नहीं किया था यार आज, तो खाना खाते हैं और फिर इसके बाद हमें चलना है नादरा। नादरा वालों की भी थोड़ी सी जाके टाइट करनी है यार, इन्होंने पास मेरा आईडी कार्ड NIC अभी तक अपडेट नहीं किया, जिनकी वजह से आज मेरी बहुत 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 ख्वारी हुई है और मुझे 4 दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा और फिर वापस पासपोर्ट ऑफिस जाना पड़ेगा। तो खैर बहुत ज़्यादा ख्वारी थी, ख्वारी नसीब का हिस्सा थी, हो गई आज। और अब फिलहाल जो है हमारे सामने खाना मौजूद है।
तो अब हमारे सामने मौजूद है खाना, और खाने को इंतजार नहीं करवाना चाहिए यार, हम जल्दी से खाना खाते हैं, इसके बाद बाहर निकलेंगे और नादरा चल के आपको अपडेट दूंगा लाजमी, ठीक है? साथ रहिएगा, देखते रहिएगा बाबू व्लॉग्स। जी तो भाई निकल चुके घर से नादरा ऑफिस के लिए, अब देखते हैं वहाँ चल के बात करते हैं कि क्या सीन है यार, अपडेट अभी तक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 4 से 5 दिन तो हो चुके दिए हुए, अब देखते हैं क्या सीन है, वहाँ चल के ही पता चलेगा। ये देखो यार, ये नादरा ऑफिस की तरफ जाते हुए कभी हशर बिगड़ा पड़ा है यार, कोई ये देखो यार, दरियाए सिंध यहाँ आया हुआ पूरा कराची में यार, कोई जगह ऐसी नहीं बची जहाँ पे पानी, गटर का पानी और ये खड्डे वगैरह ना हो यार। खैर पहुँच चुके हैं, अब अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या सूरत हाल है। अरे भाई माशाल्लाह, आप लाइन चेक करो दोनों तरफ, बहुत लंबी लाइन है, लेकिन आज हमारा लाइन का काम है नहीं, तो इंशाल्लाह जल्दी हो जाना चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि अपडेट क्यों नहीं हुआ। तो भाई अंदर चल के देखते हैं और फिर चेक करते हैं क्या सीन है, बस अल्लाह करे इस लाइन में ना लगना पड़े यार। ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में, लेकिन अब हम जा रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी MRI की और वो ले ली हमने इन्फॉर्मेशन यहाँ से, और अब हम जा रहे हैं दूसरे हॉस्पिटल की तरफ, वहाँ जाके भी देखते हैं क्या सीन है। नादरा से फ्री हो गए थे, खैर फारी है, वहाँ पर फिर कल दोबारा जाना पड़ेगा नादरा यार, जितना इन जगहों की शक्ल देखने से दूर रहना चाहते हैं उतना ही वापस जाना पड़ता है बार बार, लेकिन खैर जाना पड़ेगा, काम है यार, तो कल वहाँ पे भी मिलेंगे, लेकिन अभी की जो अपडेट है वो मैं आपको देता हूँ इंशाल्लाह। चलते हैं अभी डाओ की तरफ। ये अभिनंदन का जहाज जो पकड़ा गया था, अभिनंदन का ये वो जहाज है भाई, ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के पास खड़ा किया इसे। यार ये देखो, ये वाटर पंप, वाटर पंप की तरफ का रास्ता भाई बे इंतहा खराब, सड़कें बे इंतहा, ये हम आपको खराब रास्ते से जाके दिखाते ताको कि आपको हमारे दर्द का एहसास हो। ये देखा आपने, ये देखो सामने धूल मिट्टी देखो, और यही धूल मिट्टी जब इंसान के लंग्स तक पहुंचती है तो उसका क्या हशर होता होगा यार, खुद सोचें आप, अल्लाह रहम करे बस, और कुछ भी नहीं। ये कराची सेंट्रल है भाई, कराची सेंट्रल का ये हशर है, आप देख रहे हो वाटर पंप चौरंगी के बाहर से एशियाज लार्जेस्ट लकी वन मॉल इन कराची, जिसकी अपनी पार्किंग है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत इन्होंने बना दी है ऐसे यार। हम लोग जो है पहुंच गए हैं डाउलेट ओझा कैंपस, यहां से MRI की हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेनी है, क्योंकि ज़ियाउद्दीन में जो है वो 20,000 से 22,000 रुपये का हो रहा है। हमारा गला खुश कर दिया, हमारा गला खुश कर दिया उन्होंने, पानी पीने की काबिल ना छोड़ा, लेकिन अब यहाँ पर किसी ने कहा है कि अच्छे रेटों में हो जाता है और क्वालिटी भी बेहतर है इनकी, तो बस हम लोग इंशाल्लाह। चिप्स बन गई है हमारी भाई, अब वक्त है चिप्स खाने का, तो हमने चिप्स खा लिया, अब खाएंगे हम लोग, अब हम चिप्स खाने आए हैं भाई, चिप्स खाएंगे यहाँ पे और फिर इसके बाद चलते हैं चाय के होटल पे। जी तो भाई अब हम आए हैं चिप्स खाने, और चिप्स खा के अभी हम जाएंगे चाय के होटल पे चाय पीने, और फिर इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को यार, और सपोर्ट करते रहना, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफ़िज़।